अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं छोड़ेंगे बेटा तेरे बाबा का हाथ। हरीश जोर लगाओ। काका, पापा का हाथ नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ेंगे बेटा तेरे पापा का हाथ। चेतक महाराज, अब हमारी बाबा की जिंदगी तुम्हारे हाथ में, खींच लो उनको। जय राम जी की। धन्यवाद चेतक महाराज। हरीश बहुत धन्यवाद राम जी। हरीश राम जी बाबा। हरीश बाबा कहाँ हुआ? बाबा उठो बाबा। बाबा बल्लू भैया ये रहा हमारा इक्का। बेचारा हरिश्वा गया था जंगल में चिरई का शिकार करने के लिए, अब खुद ही किसी जंगली जानवर का शिकार बन गया होगा। एक बार कलेजा ठंडा करने का खबर आ जाए मजा आ जाएगा। ये भैया पार्टी है। बेगम बल्लू शिकार पे काहे नहीं गए तुम लोग? कौन काम नहीं है तो औरतों के काम में आता ही बटा लो। देख मंगला कपड़ा रंग रही है, बिंदी गोबर लेप रही है। ये फालतू का बकैती करने से अच्छा है कि काम ही कर लो, है कि नहीं? रे मर्दाना ना सही, अच्छा नाना कर लो। दादा अभी खाली बैठे ये का मतलब ही नहीं है कि सुबह से कुछ किए नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कोई बड़ा काम करके आए हो और अभी शांत बैठे। ये 2 फुट के हिरण को मारने वाला बड़ा काम करके शांत बैठेगा? ये बेटा हमेशा अपने मन में बकरी की तरह मैं का छाप होता है और बाप बाप होता है। तो बाप है हम तुमरे, तुम्हारी रग रग को पहचानते हैं। समझेगे नहीं? दादा कान हो गया, दादा कान हो गया, दादा कान हो गया, कान हो गया, दादा कान हो गया, दादा कान हो गया।
कान हो गया। अरे कहाँ हो गया? तो पता नहीं कैसे लेकिन हरीश घोड़े से फिसलकर खाई में जा गिरा, बहुत मुश्किल से निकाला है। हरीश तो हमारे बस्ती का सबसे काबिल घुड़सवार है, ऐसे घोड़े से कैसे गिर सकता है? अरे दारू पी के घुड़सवारी कर रहा होगा और का? अपना सब कहां मालूम पड़ता है, कहां घोड़ा है, कहां उसकी लगाम है, कहीं का है ना? दद्दा, मैं लगता है हरीश की कमर टूट गई है, वो वहां भी नहीं खड़ा हो पा रहा था, हमें लगता है अब वो चल नहीं पाएगा। नहीं, मेरा बेटा है, भरी जवानी में ऐसे लाचार हो गया। नहीं नहीं हरीश, तुझे ये सब ना तुम्हारे कारण हुआ है, ने बाप को खटिया पर गिरा दिया है। अरे अभी हमारा बेटा होश में आया था और तुम्हारे मोह में पड़कर इतना बीमार होने के बावजूद ही उसी घर में गया। देख देख, ये सब ना तुम्हारे कारण हुआ है, हमारे बेटे के इतना कारण है। चुगू, दादी बहुत ही परेशान है, उनकी बात को मन से मत लगाना। दादा बैद जी को दादा, आपका मोह आपके बेटे के लिए काहे नहीं जागता है? हमें तो एक बात समझ में नहीं आती है कि आपका प्यार आपके भतीजे के लिए ही काहे उमड़ता है। दादा बल्लू ठीक ही तो कह रहे हैं दादा, तनिक सोचे कितनी ढीठ थी छोटंकी, पहले सबका बात मानने से इनकार कर दिया, उसके बाद चुनौती भी ले ली, फिर पूरे समाज के सामने रोज 100 रुपल्ली लाके देने का वादा की और उसका ही वादा ही हरीश अपने मत्थे ले लिया। और हरीश का जो हाल था ना, किसी को उस पर भरोसा नहीं था कि वो वादा निभा पाएगा। अब देखिए कितना दुख का बात है कि उसके साथ ये सब हो गया। बाकी ये भी तो सच है ना कि वो अपना वादा नहीं निभा पाया। अम्मा एकदम ठीक कह रही है दद्दा, पूरे हरीशवा की हालत देख कर हमें लगता नहीं है कि कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। अब कहां मालूम कितना दिनों कितना खर्चा लगेगा इसका इलाज में। दद्दा पहले भी हरीशवा की गलती की वजह से जो चित्ता बस्ती ने जो भुगता है वो हम सब जानते हैं, और इतने सालों से इसकी दवा का, इसका दारू का जो खर्चा हम चित्ता बस्ती ने उठाया है, उनका क्या होगा दद्दा? अभी का यही हाल हो गया है, इतना बोझ दद्दा चित्ता बस्ती कहाँ से उठाएगी? दद्दा अब अगर इसका मुफ्त में इलाज हुआ ना तो पूरा चित्ता बस्ती आपके न्याय पे सवाल उठाएगा कि दद्दा का जवान का कोनो कीमत ना है। दद्दा कमजोर पड़ गया है, इसका प्यार में दद्दा पक्षपात करता है। बल्लू संभल के अपने दद्दा से इस तरीके से बात नहीं कर सकते तुम। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।